गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू, कैसे आप सभी। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट रेसिप्रोकल प्रोनाउन। व्हाट मींस रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल मींस क्या होता है? रेसिप्रोकल मींस म्यूचुअल। क्या? म्यूचुअल यानी कि पारस्परिक, आपसी प्रोनाउन, है ना। पारस्परिक सर्वनाम यहाँ पे लिखा हुआ है, पारस्परिक सर्वनाम आपसी, पारस्परिक यानी कि आपसी। तो यहाँ क्या कहता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है? अ प्रोनाउन इज यूज्ड टू एक्सप्रेसिज अ म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या कहता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है? पारस्परिक सर्वनाम अ प्रोनाउन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए म्यूचुअल, क्या, एक्सप्रेस ए म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वह प्रोनाउन जो क्या करता है, पारस्परिक आपसी संबंध बतलाता है, यानी कि आपसी संबंध बतलाने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर? नॉट ईच अदर एंड वन अदर आर टू रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। क्या? ईच अदर और वन अदर जो है से क्या, ईच अदर और एक वन अदर जो है सो क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है। ईच और वन अदर, ईच अदर और वन अदर का यूज किस वे में हम लोग करते हैं? ईच अदर या वन अनदर का प्रयोग हम लोग पारस्परिक संबंध बताने के लिए क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। इच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में आपसी संबंध को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेरे जबकि वन अदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए क्या किया जाता है, पारस्परिक संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या? जब दो व्यक्ति या वस्तुओं को पारस्परिक यानी कि आपसी संबंध बताना हो तो वहां पे ईच अदर का प्रयोग करेंगे, और जब दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के आपसी संबंध बताने का बोध हो तो वहां पे क्या करेंगे, वन अनदर का प्रयोग करेंगे। दैट मींस, अंडरस्टैंड व्हाट मींस रेसिप्रोकल प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज यूज टू एक्सप्रेस ए म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप। म्यूचुअल यानी कि आपसी, पारस्परिक संबंध बताने का बोध करें। ठीक है, फॉर इंस्टेंस डियर फ्रेंड्स, यहां पे देखेंगे क्या है, सुप्रिया एंड प्रिया लव इच अदर। क्या है यहां, एक क्या है सुप्रिया और एक जो है से क्या है प्रिया, लव इच अदर। यहां पे क्या कर रहा है, दोनों को पारस्परिक संबंध बताने के लिए इच अदर का प्रयोग किया गया है कि सुप्रिया और जो प्रिया है, लव यानी कि प्रेम, आपस में प्रेम करती है। क्या करते हैं? सुप्रिया और प्रिया आपस में प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। क्लियर? तो यहां पे जब क्या होगा, जब ये दोनों को आपसी संबंध बताने के लिए यहां पे क्या आया है, इच अदर वर्ड का प्रयोग किया है, सो इच अदर इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन हियर। नेक्स्ट, अंकित, सुमित, संजय एंड मंजय लव वन अनदर। क्या कहते हैं? अंकित, सुमित, संजय एंड मंजय लव वन अनदर एटीसी। यानी कि क्या कहते हैं यहां, जब अभी मैंने बताया क्या, जब दो से अधिक व्यक्ति हो या वस्तु हो और उनके बीच आपसी संबंध बताने का प्रयोग जब किया जाएगा, म्यूचुअल रिलेशनशिप बताने का जब एक्सप्रेशन हो, तो उस वे में क्या होता है, वन अनदर का प्रयोग होता है। और जब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच म्यूचुअल रिलेशनशिप एक्सप्रेस करने का बोध हो तो क्या होगा, वहां पे ईच अदर का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे अंकित यानी कि अंकित, सुमित, संजय और मंजय एक दूसरे को प्रेम करते हैं, एक दूसरे में क्या है, भाईचारा है, आपस में मिलकर आते हैं। ये है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इच अदर एंड वन अनदर आर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, एंड इच अदर एंड वन अदर आर यूज टू एक्सप्रेस ए म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप।
कंप्लीट। डेट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।